केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान में हार के साथ ही भारत का साउथ अफ्रीका दौरा खत्म हो गया पहले टेस्ट सीरीज में दो एक से हार और फिर वनडे में तीन शून्य से क्लीन स्वीप इस हार के बाद टीम इंडिया पर काफ़ी बातें हो रही हैं ऐसे में हमने यानी हमारे साथी विपिन जी ने स्पेशली सोचा कि क्यों ना अपनी ओर से वो आपको इन हार के कारणों को बताएं समझाने की कोशिश करें और इस खोजबीन की जो शुरुआत हुई तो उनका ध्यान सबसे पहले गया टीम इंडिया के साउथ अफ्रीका पहुंचने से पहले के एक विवाद पर जी हाँ आप सही समझ रहे हैं बात। बोर्ड प्रेसिडेंट और पूर्व कप्तान के बीच हुए विवाद की हो रही है जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम इस समय ट्रांजिशन के दौर में है टीम में एकाएक इतने बदलाव हो गए हैं कि चीजें साफ उल्टी पुलटी दिख रही हैं कोच और सपोर्ट स्टाफ गया फिर टी कप्तान ने कप्तानी छोड़ दी वनडे से कप्तान को हटा दिया गया फिर बी अध्यक्ष टीम इंडिया के कप्तान और चीफ सेलेक्टर्स के बीच बयानबाजी हो गई बी प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने दावा किया था कि विराट कोहली को टी की कप्तानी छोड़ने से रोकने की कोशिश की गई थी जबकि विराट कोहली ने इस बयान का खंडन कर दिया कोहली ने कहा कि किसी ने भी उन्हें कप्तानी छोड़ने से नहीं रोका था और फिर चीफ सेलेक्टर ने सामने आकर कप्तान को झूठा बता दिया और ये सारी चीजें साउथ अफ्रीका दौरे से ठीक पहले शुरू होकर टूर के बीच तक हुई इस विवाद का असर टीम पर साफ दिखा भारतीय टीम टेस्ट सीरीज हारी वनडे सीरीज़ हारी और टीम में एकजुटता की कमी तो साफ दिखी शायद इसी विवाद के चलते ही भारतीय टीम किसी भी मैच में इस पूरे टूर के किसी भी मैच में अपने चिर परिचित जोश में नहीं दिखी क्या टीम इंडिया की इस बुरी गत में गलत टीम सिलेक्शन का भी रोल था भाई हमें तो लगता है क्योंकि जब तीन वनडे में आप दो बार टॉस जीते अपनी मर्जी से पहले या बाद में बैटिंग भी करें तब भी नतीजे आपकी टीम के पक्ष में ना आए तो सवाल तो उठेंगे ही ना ग़लत टीम सिलेक्शन की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि आपके पास पेस अटैक में जसप्रीत बुमराह के अलावा कौन था क्या भुवनेश्वर कुमार की फॉर्म साउथ अफ्रीका जाने लायक थी इस सीरीज से पहले के फर्स्ट क्लास मैचों को मिलाकर कर दस मैच देखें तो उन्होंने महज छः विकेट चटकाए हैं इसके अलावा मिडिल ऑर्डर भी पूरी तरह से फ्लॉप दिखा ना तो श्रेयस अय्यर ना वेंकटेश अय्यर और ना ही ऋषभ पंत बैट से टीम के काम आ सके पंत ने फिर भी दूसरे वनडे में पचासी रन की एक पारी खेली लेकिन बाकी मिडिल ऑर्डर कोई ऐसा काम नहीं कर सका जिससे टीम की इज्जत बच पाती इस सवाल का जवाब तो कप्तान के एल राहुल खुद ही दे पाएंगे के एल राहुल को देखकर साफ लग रहा था कि वो ओपनिंग की जिद पकड़कर बैठे हुए हैं तीन मैचों के सीरीज में राहुल ने तीनों बार वनडे में पारी की शुरुआत की और बारह पचपन और नौ के स्कोर बनाए उनका बल्ला नहीं चल रहा था टीम के पास ऋतुराज गायकवाड़ और वेंकटेश अय्यर जैसे ओपनर्स मौजूद थे फिर भी राहुल पारी की शुरुआत करते रहे जब राहुल को ही पारी शुरू करनी थी तो ऋतुराज गायकवाड़ को टीम के साथ क्यों ढोया गया वहीं वेंकटेश अय्यर को मिडिल ऑर्डर में खिलाकर आपने टोटली वेस्ट किया अय्यर को छठे नंबर पर बैटिंग करवाई गई हाँ ठीक है कि वो मध्य प्रदेश के लिए मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं लेकिन जिस आई के आधार पर आप उन्हें टीम में लेकर आए वहाँ तो उन्होंने ओपनिंग करते हुए ही कमाल किया था ना आई में अय्यर ने दस मैचों में या दस मैच में तीन रन बनाए थे ऐसे में बल्लेबाज की पोजीशन बदल कर उसे नीचे खिला देना कहां तक जाया जावैया दूसरी तरफ थे ऋतुराज गायकवाड़ इस बंदे ने सीएसके के लिए बैटिंग करते हुए सीजन 2020 और 2021 में कई मैच जिताए आईपीएल में ऋतुराज ने 22 मैच में आठ रन बनाए हैं ओपनर को श्रीलंका में पारी शुरू करने का मौका मिला वहां भी ऋतुराज ने अटैकिंग बैटिंग की लेकिन इसके बाद भी राहुल एंड राहुल ने यह नहीं सोचा कि ऋतुराज से क्यों न पारी शुरू करा ली जाए जब पूरी यूनिट का प्रदर्शन ही इतना खराब हो तो किसी एक को क्या ही कहें टीम इंडिया के गेंदबाजों ने तीन मैच की सीरीज़ में कुल एक ओवर गेंदबाजी की और महज १७ विकेट लेते हुए विरोधी टीम से कुल आठ रन खाए गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो पहले दो मैच में तो हमारे गेंदबाजों को महज सात विकेट मिले बुमराह ने तीन अश्विन चहल शार्दुल ने एक एक विकेट अपने नाम किया तीसरे मैच में जरूर बुमराह दीपक चाहर और ख़ासकर प्रसिद्ध कृष्णा ने इस रिकॉर्ड को बेहतर बनाया लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी साउथ अफ्रीका तो में हमारे गेंदबाजों को एक बार स्कोर बचाने का भी मौका मिला लेकिन हमारी गेंदबाजी ये काम भी नहीं कर पाई ना तो भुवनेश्वर ना ही शार्दुल और ना ही अश्विन कोई भी गेंदबाज एक भी मैच में इम्पैक्टफुल गेंदबाजी नहीं कर पाया राहुल द्रविड़ के राहुल की कप्तानी से संतुष्ट दिख रहे हैं लेकिन हम राहुल की कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं सवाल इसलिए नहीं कि राहुल कप्तानी नहीं कर सकते ये सवाल इसलिए है कि राहुल इसके लिए तैयार नहीं थे बोर्ड ने अपने ईगो के चलते विराट कोहली से एकाएक वनडे की कप्तानी ले ली उनसे कप्तानी लेकर रोहित को कप्तान बना दिया गया लेकिन रोहित अभी इतने फिट नहीं दिखे कि वो तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया को निरंतर अपनी कप्तानी से फ़ायदा दे पाएंगे फिटनेस के चलते ही वो साउथ अफ्रीका टूर से बाहर हैं आनंद फानन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ राहुल को कप्तान बनाया गया लेकिन तीनों मुकाबलों में जब टीम को करीबी फैसले लेने थे तब राहुल की कप्तानी में वो दम नहीं दिखा तीनों वनडे मैच भारत जीत सकता था लेकिन सही फैसलों की कमी टीम पर भारी पड़ गई अक्सर क्रिकेट लेजेंड्स कहते हैं कि जीतना एक आदत होती है भले ही विराट की कप्तानी में टीम ने विश्व कप नहीं जीता आईसीसी सी, -सी ट्रॉफी नहीं जीती लेकिन टीम को जीत की आदत थी वो लगातार मुकाबले जीतती थी अब इस बदली हुई कप्तानी और बदली हुई टीम को जीत की आदत कैसे लगेगी ये देखना होगा नमस्ते मेरा नाम सूरज है आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी विपिन ने और इसे शूट किया था बालमुकुंद ने शुक्रिया